संस्कृतम् न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य प्राचीनतमासु सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक भाषासु अन्यतममस्ति। या भाषा देववाणीति कथ्यते। अद्यत्वे इयं भाषा स्वीय वैज्ञानिकता दार्शनिक तत्वादि कारणात् विदेशेषु लोकप्रियतां भजते। जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, लिथुवेनिया, क्रोएशिया प्रभृति देशेषु संस्कृत भाषायाः अध्ययनम्, अध्यापनम्, शोधश्च सजीवमस्ति विवर्धमानम्। वेदोपनिषत्सु अन्य ग्रंथेषु च सन्निहितानि गूढ तत्वानि अवगन्तुं विदेशेषु एतस्याः भाषायाः अध्ययनाध्यापनं वरीवृद्ध्यमानमस्ति। संस्कृत संबद्ध क्षेत्रेषु आयुर्वेद, योग, मनोचिकित्सादि विषयेषु संस्कृत भाषां च प्रति वैदेशिकानामपि रुचिः वर्धमाना दरीदृश्यते एव। वयं पश्यामः एव यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र उतवा स्वीये मन की बात इति कार्यक्रमे अपि संस्कृत विषयेणी ही वार्ताः प्रायः करोति एव। तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत सप्ताहे मन की बात कार्यक्रमे श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथौ संपूर्ण विश्वे आयोजितस्य विश्व संस्कृत दिवसस्य चर्चां कृतवान्। तेन निगदितं यत् संस्कृतं प्रति जनानां विशेषाकर्षणमस्ति। सहैव प्रधानमंत्री विशिष्टं ध्वन्यंकनमपि श्रावितवान्। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् विषये उक्तवान् यत् कथं लिथुएनिया देशस्य एकस्य आचार्यस्य व्यतिस विदुनस इत्यस्य प्रयासैः जनानां कश्चन समूहः नेरिस नदीं निकषा वेद मंत्राणां गीता श्लोकानां च पारायणं कृतवन्तः। साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। इतेहि प्रयासेहि परिलक्षते यत् संस्कृतं न केवलं एका भाषा अपितु विज्ञान, चिकित्सा, दर्शनादि विषयाणां भण्डारः अपि अस्ति। विदेशेषु अस्याः भाषायाः संवर्धिता लोकप्रियता प्रमाणीकरोति यत् इयं भाषा आधुनिक विज्ञानाय अपि महत्वपूर्णा अस्ति। लोककल्याण भावान्विता इयं संस्कृत भाषा सर्वैः पठनीया, पाठनीया च इत्येव अस्ति अस्मदीया कामना। वार्तावली वृत्तम्, डीडी न्यूज़।